हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है बाज़ार के रूप का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसने वह पार्ट नहीं देखे हैं वह देख सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से हम इसे समझ सकें। तो आज हम बात करेंगे अल्पाधिकार बाज़ार की। अल्पाधिकार बाज़ार क्या होता है? अल्पाधिकार बाज़ार, अल्पाधिकार बाज़ार से आशय, यह बाज़ार का ऐसा स्वरूप है जिसमें एक उत्पाद के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं एवं अनेक क्रेता होते हैं। इस बाज़ार में किसी उत्पाद के विक्रेता तो होते हैं बहुत कम, लेकिन क्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बेचने वाले बहुत सीमित होते हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें प्रत्येक विक्रेता की बाज़ार में एक बड़ी हिस्सेदारी होती है। भारत में ऑटो उद्योग इसका एक उदाहरण है, जैसे कि मारुति, टाटा, फोर्ड, यह नाम आप सुनते होंगे। तो यह अल्पाधिकार बाज़ार के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अल्पाधिकार बाज़ार की विशेषताएं। अल्पाधिकार बाज़ार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहले नंबर पर बड़ी फर्मों की कम संख्या। इसमें फर्में बहुत बड़ी बड़ी फर्में होती हैं लेकिन संख्या बहुत ही कम होती है, और वो जो कम फर्में होती हैं वह ही सारी दुनिया के अंदर अपना प्रोडक्ट भेजती हैं या एक देश के अंदर अपने प्रोडक्ट को भेजती हैं। क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्रेताओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो अल्पाधिकारी बाज़ार के जो विक्रेता होते हैं उनसे ही वह सब क्रेता माल को खरीदते हैं। प्रवेश पर प्रतिबंध, इसमें क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी फर्में होती हैं, इस वजह से प्रवेश पर प्रतिबंध होता है और इसमें हर कोई आसानी से नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आ सकता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा साहस करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा पैसे की उसे ज़रूरत पड़ती है। व्यापार गुटों का निर्माण, इनमें अल्पाधिकार में व्यापार गुटों का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत ही कम फर्में होने के बाद वे आपस में एक दूसरे के साथ गुटों का निर्माण करती हैं, जिससे कि उनके जो प्राइस होते हैं, वस्तुओं के जो प्राइस होते हैं वह कम ज़्यादा ना हो सके, वह सीमित मात्रा में होते हैं। जैसे कि किसी कार का प्राइस 5 लाख रुपए है तो 5 ही लाख रुपए रहेगा लगभग, और आपस में व्यापारी एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर चलते हैं, गुट बनाकर चलते हैं, जिससे कि रेट पर कोई प्रभाव ना पड़े। अंतर्निर्भरता, इसमें अंतर्निर्भरता पाई जाती है, और यह जो व्यापारी होते हैं, अल्पाधिकारी जो होते हैं, वह आपस में अपने प्राइस को, किसी भी वस्तु के प्राइस को ज़्यादा या कम घटाया बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर यह सोचते रहते हैं कि यदि मैं इस वस्तु का रेट कम घटाऊंगा तो दूसरा ज़्यादा ना घटा दे, तो इससे उनके अंदर जो कंपटीशन की भावना होती है वह ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, और वस्तुओं में बहुत ही ज़्यादा लोचशीलता आ जाती है, जिससे कि वस्तुओं का जो विक्रय होता है वह कम हो जाता है। अब देखते हैं मांग वक्र। इसका मांग वक्र किंकित टाइप का होता है, किंकित यानी कि कभी तो ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजन है हमारा, तो इसमें ये वस्तु की कीमत है और ये वस्तु की इकाई है। इसमें हमारा ई पॉइंट है, ई से जो ऊपर का पार्ट है ये इलास्टिसिटी अधिक लोचशीलता को दर्शाता है, और ये जो ई से नीचे का पार्ट है ये कम लोचशीलता को दर्शाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने या घटने पर बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, और यहाँ पर इससे नीचे थोड़ा सा प्राइस बढ़ने या घटने पर बहुत ही कम अंतर आता है, तो इसलिए यहाँ पर कम लोचशीलता आती है और यहाँ पर ज़्यादा लोचशीलता आती है। तो ये थी विशेषताएं, बड़ी फर्मों की कम संख्या, क्रेताओं की अधिक संख्या, प्रवेश पर प्रतिबंध, व्यापार गुटों का निर्माण, आत्मनिर्भरता और मांग वक्र, ये इसकी विशेषताएं थी। अब देखते हैं अल्पाधिकार के प्रकार। अल्पाधिकार 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है पूर्ण तथा अपूर्ण अल्पाधिकार, एक होता है गठबंधन तथा गैर गठबंधन अल्पाधिकार। यह होते हैं अल्पाधिकार के प्रकार। तो बच्चों यह
पार्ट 5 था और इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है वह पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।